वी15। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए प्रदेश के निजी बस संचालकों का माह अप्रैल, मई और जून 2021 का 103 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से निजी बस संचालकों को बड़ी राहत मिली है। उक्त निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि देश में कोरोना महामारी के समय यात्री बसों में लगने वाले मोटरयान कर में छूट देने की बात मेरे संज्ञान में आई थी। बहुत से बस ऑपरेटर एक साथ मुझसे मिलने आए थे। उस बस संचालकों के अनुरोध पर हमने इस बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखा था, क्योंकि 3 महीने कोरोना महामारी के समय बसें पूरी तरह बंद थी। श्री राजपूत ने बताया कि सहृदय मुख्यमंत्री श्री चौहान को भी लगा कि जब बसें चली ही नहीं तो उनका 3 माह का टैक्स माफ कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर विभाग ने यह 3 माह का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा, जिसे मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने माह अप्रैल, मई और जून 2021 3 माह का टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया है। श्री राजपूत ने बताया कि इससे सरकार पर 103 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। श्री राजपूत ने बताया कि जब इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार को नुकसान तो होगा, पर जिस समय बसें चली नहीं तो उस समय का टैक्स माफ करना चाहिए और आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। दरअसल कोरोना संकट के समय हुए नुकसान के बाद से राज्य के निजी बस संचालक प्रदेश सरकार से 3 माह का टैक्स माफ करने की लगातार मांग कर रहे थे। इस पर परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने भरोसा जताया कि उनकी जायज मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने के बाद ही फैसला किया। प्रदेश में कोरोना महामारी के समय यात्री बसों पर लगने वाले मोटरयान कर में छूट देने की बात आई थी। बहुत से बस वाले उस समय इकट्ठे होकर हमारे पास आए थे और हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था, क्योंकि 3 महीने कोरोना महामारी के समय बसें पूर्णतः बंद रही, तो ये मुख्यमंत्री जी को लगा कि जब बसें चली ही नहीं तो इनका टैक्स इन 3 महीने का माफ करना चाहिए। तो अप्रैल, मई और जून का टैक्स पूर्णतः माफ कर दिया गया है। इसमें करीब 103 करोड़ रुपए का सरकार का घाटा हुआ है। जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि उस समय बसें नहीं चली, इससे 103 करोड़ का घाटा जरूर हुआ है, लेकिन बसों वालों को टैक्स माफ करना चाहिए। आज यह प्रस्ताव कैबिनेट में आया था और बसों का अप्रैल, मई, जून का यात्रियों का जो उनका मोटरयान कर में था उसमें छूट दे दी गई। ये 19-20 का है कि 20-21 का? 20-21 नहीं, 19 जो पिछला लॉकडाउन